नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, आपका प्रिय चैनल, जिसमें कि मैं आपको ज्योतिष विज्ञान से संबंधित सटीक और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूं। और मेरा प्रयास यह रहता है कि आपको सरल और आसान भाषा में ज्योतिष शास्त्र को किस तरह सिखाया जाए। ज्योतिष शास्त्र के फंडामेंटल्स ज्योतिषी के सीरीज में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, और सटीक भविष्यवाणी कैसे करें इसका प्रथम भाग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। मित्रों, सटीक भविष्यवाणी करने के लिए केवल यह जानना काफी नहीं होता कि कोई एक ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, वह ग्रह किस तरह का बिहेवियर प्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर होरोस्कोप में, एक विशेष कुंडली में किस तरीके का वह ग्रह परिणाम देने वाला है, यह पता चलता है कि वह किस भाव का स्वामी है। उदाहरण के तौर पर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, यह चाहे वह शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, या किसी भी तरीके के क्रूर ग्रह हो, देव ग्रह हो, दानव ग्रह हो, यह हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। किंतु वहीं 3, 6, 11 या 8 इन भावों के स्वामी अशुभ परिणाम देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखेंगे तो भविष्यवाणी निश्चित तौर पर आपकी सही साबित होगी, और यह हमारा कर्तव्य भी है कि जो भी जातक हमसे जानकारी चाहता है उसको हम जो भी भविष्यवाणी करें वह उसके जीवन में सही साबित हो। प्रथम भाग अगर आपने नहीं देखा है तो प्रथम भाग से देखना प्रारंभ करेंगे तो बेहतर रहेगा और आपकी भविष्यवाणी में सटीकता रहेगी। मित्रों, आज बात कर रहे हैं द्वितीय भाव अर्थात धन भाव। प्रथम भाव तनु भाव बोलते हैं, द्वितीय भाव कुंडली का धन भाव कहलाता है, हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहलाता है, कुटुंब का भाव कहलाता है, विद्यावाणी का भाव कहलाता है और दाहिने नेत्र का भाव कहलाता है। तो इस भाव का स्वामी, अगर इस भाव का स्वामी कुंडली में किसी स्थान पर बैठा हुआ है तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करेगा कुंडली में, वह उस भाव से मिलने वाले फल में वृद्धि करेगा या उसका नाश करेगा, यह हम जानते हैं। और इस तरह से जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वह प्रेडिक्शन सही साबित होती है। द्वितीय भाव यहां पर, चूंकि मैंने मेष लग्न की कुंडली बना रखी है, यहां पर 1 लिखा है अर्थात मेष राशि यहां पर है तो मेष लग्न की कुंडली है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, ये मैंने भावों के नाम लिखे हुए हैं और नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सी राशियां यहां पर विद्यमान है। अब यहां पर 2 लिखा हुआ है अर्थात वृष राशि यहां पर विद्यमान है, इसका स्वामी शुक्र, तो शुक्र कहां कहां जहां जहां बैठेगा तो वह अपनी प्रकृति के अनुसार भी फल देगा। और चूंकि द्वितीय भाव का स्वामी है तो इस भाव का स्वामी होने की वजह से, धन भाव का स्वामी होने की वजह से भी वह परिणाम देगा। तो इस प्रकार से हम लोग भविष्यवाणी करना अगर प्रारंभ करते हैं तो उनमें सटीकता निश्चित तौर पर बढ़ जाती है और प्रामाणिकता में वृद्धि होती है। यही कुंडली अगर मेष लग्न की बजाय फॉर एग्जांपल मिथुन लग्न की होती तो यहां पर 3 लिखा होता, भाव यह प्रथम ही रहता, यहां पर 3 लिखा होता और यहां पर 4 लिखा होता, अर्थात यहां पर कर्क राशि विद्यमान होती, तब उसके स्वामी चंद्रमा बनते, तब चंद्रमा अलग अलग भावों में किस प्रकार का परिणाम देते, तो वो किस प्रकार का परिणाम देते द्वितीय भाव के स्वामी होने की वजह से, स्वामी होने के कारण। आइए यह जानते हैं कि कोई भी ग्रह जो द्वितीय भाव का स्वामी है कुंडली के अलग अलग भावों में किस तरह का परिणाम प्रदान करता है। मित्रों, यदि द्वितीय भाव का स्वामी यानी धनेश अगर लग्न में होता है तो जातक निश्चित तौर पर धनी होता है, किंतु कुटुंब से द्रोह करने वाला हो सकता है, अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से धनार्जन करने वाला होता है और दूसरों के कार्य में अपनी जितना भी उसकी क्षमता है उससे मदद करने वाला होता है, उसको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। यही धनेश अगर अपने ही भाव में अर्थात द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो जातक अभिमानी होता है, निश्चित तौर पर धनवान होना तो उसका स्वाभाविक ही है क्योंकि धनेश धन भाव में ही है, कुटुंब भाव में कुटुंब का भाव का स्वामी क्योंकि यह कुटुंब का भाव भी है, तो कुटुंब सुख से युक्त होता है, अच्छी वाणी बोलने वाला होता है, सुंदर मुख और अच्छे नेत्रों वाला, सुंदर आंखों वाला व्यक्ति या जातक होता है। यही धनेश यदि तृतीय भाव में बैठा होता है तो जातक विक्रमी होता है अर्थात पराक्रमी होता है, और यह जातक संगीत, नृत्य आदि कलाओं से धन अर्जित करने का इसका व्यवसाय हो सकता है और भाइयों से इसको लाभ मिलता है। धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक कृषि या कमीशन एजेंट, पालतू पशु, वाहन या भवन निर्माण के कार्यों से धन अर्जित करने वाला होता है,
और बुद्धिमान तो होता ही है, माता से इसको निश्चित तौर पर आर्थिक सहायता की प्राप्ति होती है। धनेश यदि पंचम भाव में बैठा होता है तो जातक को शेयर बाजार, सट्टा बाजार या लॉटरी से धन की प्राप्ति होने की संभावना अधिक होती है। वह एक अच्छा मैनेजर होता है, खास तौर पर फाइनेंशियल मैटर्स का। और किंतु यदि अगर द्वितीयेश निर्बल है, यह ध्यान देने की बात है, यदि द्वितीयेश निर्बल है तो शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में धन का नाश करता है और पुत्रों पर धन का काफी व्यय ऐसा जातक जिसका द्वितीयेश पंचम भाव में होता है ऐसा जातक करता है। छठे भाव में यदि धनेश होता है तो जातक को शत्रु से या मुकदमेबाजी से धन की प्राप्ति होती है। धनेश यदि निर्बल होता है यहां पर तो निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों में धन का व्यय होता है। सप्तम भाव में धनेश हो तो उसकी विदेश यात्रा, वहां से उसको धन की प्राप्ति होती है, कारोबार में उसको सफलता मिलती है और किसी यात्रा वाले व्यवसाय से, फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल एजेंट या इस तरीके के व्यवसाय से उसको धन की प्राप्ति होती है और उसकी पत्नी जो है वह विलासिनी होती है। अष्टम भाव में धनेश का होना जातक को वसीयत और बीमा से धन की प्राप्ति कराता है, पत्नी से उसकी अनबन हो सकती है और अनैतिक कार्यों से उसको धन की प्राप्ति होती है। ऐसे कार्य जो नैतिक नहीं होते वहां से उसको धन की प्राप्ति हो सकती है। जातक नवम भाव में, धनेश नवम भाव में यदि होता है तो वह धनवान होगा, भाग्यवान होगा, बहुत जो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग होगा, खुश रहेगा। बाल्यावस्था में थोड़ा सा बीमार रहने की उसकी प्रवृत्ति रहेगी और पैतृक संपत्ति की और भाग्य से प्राप्त होने वाली संपत्ति जो है वो उसको कहीं ना कहीं मिलती है। दशम भाव में अर्थात कर्म भाव में यदि धनेश बैठा होता है तो जातक को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, राज्य से धन की प्राप्ति होती है, अलग अलग व्यवसायों से धन की प्राप्ति होती है, पिता से, पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति होती है, यशस्वी होता है जातक और विद्वान भी होता है। ग्यारहवें भाव एकादश भाव लाभ भाव में धनेश होगा तो जातक धनाढ्य होगा, धन से मल्टीप्लाई करता है वो धन को, भोगी और उद्यमी अर्थात मेहनत करने वाला और बहुत अधिक धन जो है पैदा करने वाला ऐसा जातक होता है। बारहवें भाव में यदि धनेश होता है तो जातक जो है वो बड़े भाई के सुख से अक्सर वंचित रहता है, धन व्यय करने में ज्यादा उस उद्यमी होता है बजाय धन को इकट्ठा करने में, संचय नहीं कर पाता है और संभावना वैसे यह भी बनती है कि ऐसा जातक जिसका द्वितीयेश बारहवें भाव में हो वह सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है। मित्रों तो द्वितीयेश अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल प्रदान करता है यह आज हमने जाना और इस तरह से हम लोग अगर भविष्यवाणी करेंगे तो उनकी जो सटीकता है वह निश्चित तौर पर बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह एक्सपीरियंस किया हुआ बहुत सारे अलग अलग विद्वानों द्वारा रचित बहुत सारा साहित्य उससे जो है कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। किसी तरह कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।